देश में बढ़ते कोरोना के मामलों ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। शनिवार को कुल सक्रिय केस 1,00,000 को पार कर गए। ऐसे में इस खतरे को टालने के लिए सरकार की तरफ से 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत करना एक बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस बीच बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए शनिवार से कोविन पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया की शुरुआत भी हो गई। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने 3 जनवरी यानी कि सोमवार से बच्चों के लिए वैक्सीन की डोज लगाने के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com और मैं हूं आपके साथ रचना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने एक ट्वीट किया और ये बताया कि बच्चे सुरक्षित हैं, देश का भविष्य सुरक्षित हो। नए साल के अवसर पर 15 से 18 आयु वर्ष के जो बच्चे हैं उनके टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण शुरू किया जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि इस कोविन पोर्टल पर अभी तक कितने बच्चों ने पंजीकरण किया हुआ है, यानी अभी तक कितने बच्चे पंजीकरण करा चुके हैं। कोविन डेटा के अनुसार शनिवार रात 11:30 बजे तक 15 से 18 साल के तकरीबन 3,15,416 बच्चों ने पंजीकरण करवा लिया है, जिन्हें कल यानी कि सोमवार को टीका लगना शुरू हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि बच्चों को आखिरकार कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये जानकारी दी है कि 15 से 18 आयु वर्ग के जो भी बच्चे हैं उन्हें फिलहाल यानी वर्तमान में सिर्फ भारत बायोटेक कंपनी द्वारा तैयार की गई कोवैक्सीन की खुराक दी जाएगी। अब हम आपको बताते हैं वो आंकड़ा कि आखिरकार कितने बच्चों का टीकाकरण हो सकता है, कितने बच्चे जो हैं वो टीकाकरण के योग्य हैं। तो यह आंकड़ा तकरीबन 10 करोड़ का है। केंद्र सरकार के आधिकारिक अनुमान जो है उसके मुताबिक 15 से 18 आयु वर्ग के अनुमानित 10 करोड़ बच्चे हैं जो टीकाकरण के योग्य हैं। अब हम आपको बताते हैं कि क्या अगर आपने पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है तो क्या वैक्सीनेशन सेंटर पर पंजीकरण संभव है? तो इसका जवाब है हाँ। सभी टीकाकरण योग्य बच्चों को कोविन पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन इसके अलावा 3 जनवरी 2022 से सीधे आप वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचिए और वहां जाकर अपना रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण आप सभी करवा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि किन्हें लगने वाली है ये वैक्सीन। तो सरकार की ओर से जो उम्र तय की गई है, जो जानकारियां दी गई हैं, उसके मुताबिक साल 2007 या उससे पहले पैदा हुए बच्चों को ही फिलहाल कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। ये टीका 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जाएगा, ये बिल्कुल साफ तौर पर बता दिया गया है। अब दूसरी डोज की बात आती है कि अगर पहली डोज जो है कल दी जा रही है तो दूसरी डोज कितने दिन बाद दी जाए, तो इसका जवाब भी हम आपको देते हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन बच्चों को दी जाएगी और दो खुराकों के बीच जो अंतराल होगा वो 28 दिनों का होगा। हालांकि कोवैक्सीन की दूसरी डोज वयस्कों को भी 28 दिन के बाद ही दी जा रही है। अब हम आपको बताते चलते हैं कि आखिरकार पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन स्लॉट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको कोविन ऐप पर रजिस्टर करना होगा और इसके बाद अपना मोबाइल नंबर उसमें डालना होगा, यानी अपने मोबाइल नंबर से आपको उस पर लॉगिन करना होगा। वैक्सीन बुक करने के लिए बच्चों का फोटो प्रमाण पत्र भी देना होगा। इसके बाद स्लॉट बुक कर पाएंगे आप। आधार कार्ड का इस्तेमाल आप बुकिंग के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल आईडी कार्ड भी मान्य है, उसके आधार पर भी आप वैक्सीन स्लॉट बुक कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिन बच्चों के पास मोबाइल फोन नहीं है
वो कैसे बुक करें, वो रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो इसका जवाब भी हम आपको देते हैं। माता पिता के पास अगर मोबाइल नंबर है, मोबाइल फ़ोन है, तो वो भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनके पास मोबाइल नहीं है, माता पिता के नंबर से, यानी माता पिता के मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। नियम के मुताबिक एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन संभव है। अब एक और सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जैसे वयस्कों को निगरानी में रखा जा रहा था, जैसे वैक्सीनेशन के बाद जो भी एडल्ट हैं उन्हें निगरानी उनकी की जा रही थी, तो क्या बच्चों के साथ भी ये सब कुछ लागू होगा? तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। इसका जवाब है हाँ। केंद्र सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक जब वैक्सीनेशन होगा 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का, तो सभी उन नियमों का पालन करना होगा जो इससे पहले लागू किए गए थे, जो इससे पहले नियम बनाए गए थे टीकाकरण के, उन सभी नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। टीकाकरण के प्रभाव को देखने के लिए बच्चों को आधे घंटे तक निगरानी में रखा जाएगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये तमाम जानकारियाँ आपके बेहद काम की हैं और आप इन बताए गए तरीकों से अपने बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन स्लॉट जो है वैक्सीनेशन का, वो बुक कर सकेंगे। अभी के लिए इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए amarujala.com के साथ। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।